आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हर न्यूज पर। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई रुझानात में ट्रंप को सबकत। ट्रंप 201 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के साथ आगे। हैरिस को 91 पर सबकत। महाराष्ट्र की सियासी जंग में अजीत पवार की एनसीपी आज जारी करेगी इंतखाबी मंशूर। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे तशहीरी मुहिम करेंगे तेज। मुडा मामले में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया की पेशी। लोकायुक्त पुलिस ने पूछताछ के लिए किया तलब। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में मुल्क गिर पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन की तीसरी मुहिम का करेंगे इफ्तिताह। मुल्क भर के 800 शहरों और अजला में 30 नवंबर तक जारी रहेगी मुहिम। मारूफ लोक गुलुकारा शारदा सिन्हा की पटना में सरकारी एजाज के साथ अदा होगी आखिरी रसूम। सदर जमहूरिया, वजीर आजम समेत मुतादिद मौजूद शख्सियात ने पेश किया खराज अकीदत। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। अमरीका में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है, ताहम कुछ रियासतों में वोटिंग खत्म हो गई है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबले में जॉर्जिया समेत 6 अमरीकी रियासतों में वोटिंग मुकम्मल हो गई है। एक तारीखी मुकाबले में इंडियाना, केंटकी, जुनूबी कैरोलिना और साथ में वर्मोंट और वर्जीना में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। ट्रंप इंडियाना, केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया आगे हैं और कमला हैरिस की वर्मोंट से जीत मुतवक्के है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय निजात कमला हैरिस सदारती ओहदे के लिए इंतखाबी मैदान में हैं। कमला हैरिस इस वक्त अमेरिका की नायब सदर हैं, जबकि ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के सदर रह चुके हैं। जहां ट्रंप दोबारा इख्तदार में आने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कमला हैरिस तारीख रकम करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका की 50 रियासतों और दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरल वोट हैं। इस इलेक्शन में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं। सिर्फ इन 7 स्विंग रियासतों में 93 सीटें हैं। इलेक्शन जीतने के लिए ट्रंप या कमला को 270 सीटें जीतनी होगी। इस इलेक्शन में तकरीबन 8.2 करोड़ यानी 40% वोटर पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट डाल चुके हैं। और आइए कमला हैरिस की सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं। अटॉर्नी से सीनेटर से नायब सदर तक का सफर करने वाली कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में पैदा हुई थी। दरहकीकत भारतीय नजाद माँ और जमैका नजाद वालिद के यहाँ पैदा होने वाली कमला हैरिस जब 12 साल की हुई तो उन्हें अमेरिका छोड़कर अपनी माँ और बहन के साथ कनाडा जाना पड़ा था, क्योंकि उनकी वालिदा को वहाँ की मैकगिल यूनिवर्सिटी में टीचर की नौकरी मिल गई थी। कनाडा में स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद कमला वापस अमेरिका चली गई, जहाँ उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ अपनी माँ की तरह कमला ने सिया फामों के हकूक के लिए कई मुजाहरों में हिस्सा लिया। हार्वर्ड से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद कमला ने 1989 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम मुकम्मल की। 1990 में कमला ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ कैलिफोर्निया में शमूलियत अख्तियार की और बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया। 2010 में वो रियासत कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल मुंतखब हुई। वो ये पैगाम हासिल करने वाली पहली सिया फाम खातून थी। कमला हैरिस का सियासत में पहला कदम वकालत था। वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से रियासती अटॉर्नी और फिर सीनेट यानी अमरीकी राज्यसभा तक पहुंची। कमला हैरिस ने 2016 में इंतखाबी सियासत में कदम रखा। ये वही साल था जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के सदर बने थे। सियासत में आने के बाद कमला हैरिस पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आई जब उन्होंने अमरीका में गन कंट्रोल के लिए कानूनी मुहिम शुरू की। इसके अलावा तारकिन वतन की शहरियत का मामला भी जोरों शोर से उठाया गया। कमला हैरिस को बराक ओबामा और जो बाइडन की हिमायत हासिल थी।
कमला हैरिस सीनेट के लिए मुंतखब होने वाली दूसरी सियाह फाम खातून बन गई। सीनेटर बनने के सिर्फ दो साल के बाद कमला हैरिस ने 2019 में सदारती दौड़ में शामिल होने के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया। कमला हैरिस तकरीबन एक साल तक सदारती उम्मीदवार की मुहिम चलाती रहीं, ताहम कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार के मुबाहिसे में बाइडेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने उम्मीदवारी की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। 2020 में बाइडेन की जीत के बाद कमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली सियाह फाम खातून नायब सदर मुंतखब हुई। ताहम अगर कमला हैरिस ट्रंप के साथ सख्त मुकाबला जीत जाती हैं तो वो अमरीका की पहली खातून सदर बनकर हमेशा के लिए तारीख रकम करेंगी। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सियासी सफर पर। 14 जून 1940 को पैदा होने वाले और रियल एस्टेट बिजनेसमैन से लेकर कैसीनो बिजनेस तक हर चीज में हाथ आजमाने वाले साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सियासत में भी आला मुकाम हासिल किया। 25 साल की उम्र में डोनाल्ड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के सदर बन गए। ट्रंप 1970 और 1980 की दहाइयों में एक पुरजोश रियल एस्टेट बिजनेसमैन के तौर पर उभरे। 70 की दहाई में ट्रंप अपने रियल एस्टेट कारोबार को बुलंदियों पर ले गए, लेकिन उन्हें कैसीनो का कारोबार पसंद नहीं आया। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए गए। उन्होंने ताजमहल कैसीनो की तामीर के लिए $1 बिलियन खर्च किए, जिसने ट्रंप को बेबस कर दिया। उन्होंने अपनी दो कंपनियों को दिवालिया करार दे दिया। उस वक्त कारोबार में असर रसूख कायम करने वाले ट्रंप कामयाबी के इस कदर मुतरादिफ बन चुके थे कि उनकी कंपनी का दिवालिया भी उनकी साख को नुकसान ना पहुंचा सका। ट्रंप 1980 की दहाई से सदारती दौड़ में शामिल होने के बारे में बयान दे रहे थे, ताहम ट्रंप के इन बयान को तब महज पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा गया। वर्ल्ड डेमोक्रेटिक्स के रुकन थे, लेकिन ट्रंप शुरू में रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के बजाय रिफॉर्म पार्टी में खुद को रजिस्टर कर दिया। यही नहीं, उन्होंने खुद को रिफॉर्म पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार भी करार दे दिया। ताहम 4 माह के बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप बाद में दोबारा रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर सदारती उम्मीदवार के मजबूत दावेदारों में से एक समझा जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने सदारती इलेक्शन लड़ने का कोई ऐलान नहीं किया। ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर 2015 में अमरीकी सियासत में कदम रखा। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से किया। 2016 के सदारती इंतखाबात में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन से हुआ। ट्रंप को इलेक्शन में हिलरी के मुकाबले में तकरीबन 28 लाख कम वोट मिले, लेकिन ज्यादा इलेक्टोरल वोट ट्रंप के हक में आए, जिसकी वजह से ट्रंप सदर बने। सदर बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन के हवाले से सख्त रवैया अपनाया। ट्रंप ने अपने दौर में अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के मंसूबे पर काम शुरू किया। सदर होते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम ममालिक से अमेरिका आने वाले तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। ट्रंप पर सदर रहते हुए अरबपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का भी इल्ज़ाम था। कामयाबी के साथ ट्रंप तनाज़ात से भी जुड़े रहे। ट्रंप के सदर रहते हुए 2 बार उनका मुआवजा किया गया। ट्रंप ने खारजा पॉलिसी के मामलों में अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिका को पेरिस मौसमियाती मुहिदे और ईरान के जौहरी मुहिदे से निकाल दिया। सदर ट्रंप ने शुमाली कोरिया के आमिर किम जोंग उनसे भी उन्होंने बात की। 2020 के इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद कोई भी रिपब्लिकन रहनुमा ट्रंप की जगह सदारती उम्मीदवार के तौर पर नहीं ले सका। ट्रंप ने पहले पार्टी में अपने मुखालफिन को एक एक करके शिकस्त दी और फिर 2024 के इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में इंतखाबी गहमा गहमी के दरमियान आज अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आवाम के सामने पार्टी का मंशूर पेश करेगी। पूरे महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही मरहले में कानून साज असेंबली के इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए अजीत पवार की पार्टी आवाम को रागिब करने के लिए कई पुरकशिश ऐलान कर रही है।
महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर इंतखाबी मुहिम के मैदान में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर राहुल गांधी नागपुर में दीक्षा भूमि पर पार्टी उम्मीदवार के हक में दो अवामी जलसे करेंगे। राहुल गांधी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में महाविकास अघाड़ी के जलसा आम में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार के सदर शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के सरबरा उद्धव ठाकरे भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार आज महाराष्ट्र के अवाम के सामने अपनी पार्टी का मंशूर जारी करेंगी। और महाराष्ट्र में बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए 37 मुख्तलिफ असेंबली हलकों में अपने 40 कारकुनों को पार्टी डिसिप्लिन पर अमल न करने और पार्टी के कवानीन शिकनी पर निकाल दिया है। बीजेपी ने निकाले गए कारकुनों के नाम भी जारी किए हैं। बीजेपी का ये फैसला महाराष्ट्र के लिए महायुति इत्तेहाद की जानिब से मंशूर को पेश करने के बाद आया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से 13 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 7 नवंबर तक इंतखाबी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। आज प्रियंका गांधी विंडोर और निलंबोर में मीटिंगों में भी हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी ने वायनाड सीट खाली करने के बाद प्रियंका गांधी इस सीट से मुकाबले में हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया था। वायनाड सीट छोड़ने के बाद ये सीट खाली रह गई थी, जिस पर अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। और मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा केस में लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश होने के लिए कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने अपनी रिहायशगाह से निकल गए हैं। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में मुबैना बेजाब्तगियों की तहकीकात के लिए सिद्धारमैया को आज मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था। इससे पहले 25 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस ने वजीर आला की बीवी पार्वती से पूछताछ की थी। सिद्धारमैया को अपनी बीवी पार्वती को मुडा के जरिए 14 प्लॉटों के अलॉटमेंट में बेजाब्तगियों के इल्जामात का सामना। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के लोलाब जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ है। मालूमात के मुताबिक एक नामालूम दहशतगर्द जो मुमकिन तौर पर गैर मुल्की है, ऑपरेशन कल रात ही शुरू हुआ था। सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है और मुमकिन है इस इलाके में कुछ और दहशतगर्द अब भी छुपे हों। यह इनकाउंटर बांदीपुरा के कैटसोन जंगलाती इलाके में उसी तरह की कार्रवाई के बाद हुआ है, जहाँ कल एक और दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में मुल्क गिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की तीसरी मुहिम का आगाज करेंगे। पेंशनर्स की बहबूद का महकमा यकुम से 30 नवंबर तक मुल्क भर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का इनेकाद कर रहा है, जिसके तहत मुल्क भर के 800 अजला और शहरों में कैंप लगाए जाएंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी मुहिम होगी। इस मुहिम का मकसद तमाम जुमरों के पेंशनर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई फराहम करना है। 19 बैंक, 785 डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस, 57 वेलफेयर यूनियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और UIDAI और CGDA की टीमें चेहरे की तस्दीक करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पेंशनर्स को डिजिटल बाइख्तियार बनाने के लिए इस माह तवील मुहिम में तआवुन करेंगी। इस मुहिम के लिए एक DLC पोर्टल बनाया गया है, जिसमें 800 असला, 1900 कैंप के मकामात और 1000 नोडल अफसरान की मीटिंग की गई है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही और ईदगाह मस्जिद तनाजिया केस में 15 अर्जियों की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाप्त होगी। पिछली समाअत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की जानिब से जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े के मामलों को एक साथ सुनने के हुक्म को वापस लेने की दोबारा तलबी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में हिंदू फरीक का दावा है कि ये ईदगाह मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। हिंदू फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें हिंदुओं को इस जगह पर पूजा करने का हक देने का मुतालबा किया गया है।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कैनबरा में ज़ायसिना डाउन अंडर सेशन के मौके पर न्यूजीलैंड के नायब वजीर आज़म विंस्टन पीटर्स और ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान हिंद बहरुल काहिल में भारत की तरजीहात और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ बाहमी तआवुन के मौके के बारे में बातचीत हुई। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के एक रोज़ा दौरे पर होंगे। नायब सदर जमहूरिया रायपुर में छत्तीसगढ़ रियासती महोत्सव के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ और राज्य उत्सव आज इख्तिताम पसीर होगा। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात को छत्तीसगढ़ स्टेट डेकोरेशन अवार्ड से नवाजेंगे। इख्तितामी तकरीब में कई सीनियर रहनुमा और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। राज्य उत्सव के दौरान हर रोज शाम से लेकर रात देर तक पंडाल में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मारूफ लोक गुलुकारा शारदा सिन्हा की आज पटना में सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। उनका कल रात नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 72 बरस थी और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे। उनके इंतकाल से भोजपुरी, वजिका, मगी, मैथिली और हिंदी की गुलुकारी में एक खला पैदा हो गया है। बिहार कोकिला आवाज़ की मलिका पद्म विभूषण शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। उनका इंतकाल मंगल की रात नई दिल्ली के एम्स में हुआ। उनकी उम्र 72 बरस थी और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। ये सितम ज़रीफ़ी है कि इस वक्त भी जब बिहार की गलियां उनके छठ गीतों से गूंज रही हैं, वो वहां नहीं है। न सिर्फ बिहार में बल्कि मुल्क और दुनिया में जहां कहीं भी पुरबिया रहते हैं, शारदा सिन्हा उनके दिलों में बसती हैं। पहले पहले हम कहनी छठी मैया बरत तोहार करी हा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार भूल चुक गलती हमार। उनके इंतकाल से भोजपुरी, वज्जिका, मगही, मैथिली और हिंदी की गायकी में एक खला पैदा हो गया है। वो 1989 में रिलीज होने वाली फिल्म मैंने प्यार किया के गानों से हिंदी सिनेमा में मकबूल हुई। सूरज बड़जातिया की इस फिल्म के साथ उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और चार फुटिया छोकरे में भी गाया, लेकिन छठ के गानों ने उन्हें ज्यादा मकबूल बनाया और छठ के दौरान उनके गाने हर घर में गाए जाते हैं, लाउड स्पीकर पर चलाए जाते हैं। पद्म भूषण शारदा सिन्हा की पैदाइश 1952 में बिहार के सुपौल जिले में हुई और उनकी शादी बेगूसराय में हुई। उन्हें बचपन से ही मौसीकी का शौक था, बल्कि उनके पास एक बहुत खूबसूरत आवाज थी। वो आवाज की मलिका थी और सुनने वाले उन्हें मशहूर हो जाते थे। जब मॉरिशस के वजीर आजम नवीन राम गुलाम बिहार पहुंचे तो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। इसके अलावा कई कौमी और बैन अलाक्वामी फॉर्म्स पर प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड के साथ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। छठ के गानों के एल्बम के साथ साथ उनके कई एल्बम भी रिलीज हो चुके हैं। डीडी न्यूज की तरफ से बिहार स्वर कोकिला को खराज तहसीन, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शारदा सिन्हा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बुलबुल बिहार के नाम से मशहूर गुलुकारा डॉक्टर शारदा सिन्हा के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। बिहारी लोकगीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी सुरीली आवाज़ देकर शारदा सिन्हा जी ने मौसीकी की दुनिया में बेपनाह मकबूलियत हासिल की।
आज छठ पूजा के दिन उनके सुरीले गीतों से मुल्क और बैरूनी मुल्क अकीदत का एक माफोकुल फितरत माहौल पैदा कर रहे होंगे। उन्हें 2018 में आर्ट्स के शोबे में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। उनकी सुरीली गुलिकारी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और उनके अहल खाना और मद्दाहों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ। मशहूर लोक गुलकारा शारदा सिन्हा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि मारूफ लोक गुलकारा शारदा सिन्हा के इंतकाल से गहरा दुख हुआ। उनके गाए हुए मैथिली और भोजपुरी लोकगीत पिछली कई दहाइयों से काफ़ी मकबूल हैं। अकीदे के अजीम त्यौहार छठ से मुतालिक उनके सुरीले गीतों की गूंज भी हमेशा रहेगी। उनका इंतकाल मौसीकी की दुनिया के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। दुख की इस घड़ी में उनके अहल खाना और मद्दाहों के तई मेरी ताज़ियत। ओम शांति। और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन खरना होता है। खरना की रिवायत छठ पूजा के लिए बहुत अहम समझी जाती है। खरना का मतलब है पाकीज़गी। कहा जाता है कि इस दिन छठी मैया आती हैं, जिसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जल उपवास शुरू हो जाता है। खरना पर शाम को मिट्टी के चूल्हे पर चावल, गुड़ और दूध से बनी खीर बनाने की रिवायत है, जिसे छठी मैया को पेश करने के बाद व्रती इसे प्रसाद के तौर पर लेते हैं। छठ पूजा में उगते और डूबते सूरज को अर्घ देने की बड़ी अहमियत है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल से शायद कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में कुछ खास खबरें देख लेते हैं। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की आईनी हैसियत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को मंसूख करने के इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अलबत्त फाजिल और कामिल की डिग्रियां जारी करने का इख्तियार महदूद बताया गया है। और अगली सुर्खी देख लेते हैं। हुकूमतें तमाम निजी इमलाक पर कब्जा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला आया है और इसका सभी ने खैर मकदम भी किया है। और अगली एक खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ग्लेशियर झीलों के रकबे में इजाफा, 5 रियासतों को शदीद ख़तरा बताया जा रहा है। ग्लेशियर झीलों के साइज़ में आने वाली तब्दीली के सिलसिले में चौंकाने वाला ये इंकशाफ हुआ है और मरकज़ी आबी कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट में ये नई जानकारी हासिल हुई है। और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं नाज़रीन के दिल्ली की आबो हवा इस वक्त बहुत ख़राब है और इसी ताल्लुक़ से एक मज़मून शाये हुआ है जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपनी सुर्खियों में जगह दी है कि दिल्ली की हवा हुई जहरीली, सांस के मरीज़ों में 35% का इजाफा हो गया है और अगले 3 से 4 दिनों तक आलूदगी में कमी का कोई इम्कान नहीं बताया जा रहा है। पॉल्यूशन के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ नाफिज तो होती हैं लेकिन ज़्यादातर उन पर असरअंदाज नहीं होता ही है कोई बात। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। गज़ा से मुतालिक आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने 2036 ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की मेज़बानी के लिए IOC को एक ख़त लिखा है और मेज़बानी के लिए कहा है। और अगली सुर्खी देख लेते हैं। अगली सुर्खी गज़ा से मुतालिक है। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी, मज़ीद 33 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं। और चलते चलते एक और ख़बर पर नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने लीबिया के साहिल पर तारकिन वतन को रोक दिया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। 21 बार के ग्रैंड स्लैम फातह सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ATP फाइनल से अपना नाम वापस ले लिया है। जोकोविच के इस फैसले की वजह इंजरी को माना जा रहा है। जोकोविच ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो इस मुकाबले को लेकर बहुत पुरजोश थे, ताहम इंजरी की वजह से उन्होंने ATP फाइनल से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। ATP फाइनल 10 से 17 नवम्बर तक इटली में मुनाकिद होंगे। प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली और योम्बिया के दिलचस्प मुकाबले में मुंबई ने बाजी मारते हुए दिल्ली को हरा दिया है। मुंबई ने इस मुकाबले को
32-26 के फर्क से जीत लिया है और दिल्ली ये सीजन की 5वीं शिकस्त है। मुंबई को 6 मैचों में 3री जीत मिली है। और अब मौसम का मिजाज। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।